और मेरे देश के नौजवानों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, आज हम कंपेयर करने वाले हैं KTM RC 125 को यामाहा MT-15 से। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके दबा दीजिए बेल आइकन को, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए हमेशा ऐसी ही वीडियोस लाते रहता हूँ। दोस्तों, कंपैरिजन का मेन पॉइंट ये है कि इन दोनों ही बाइक्स के लुक्स और डिजाइन में काफी ज्यादा डिफरेंस है। KTM RC 125 एक फुल्ली फेड स्पोर्ट्स बाइक है जिसमें आपको 125 सीसी का इंजन मिलता है, और यामाहा MT-15 नेकेड सेगमेंट की स्पोर्ट्स बाइक है जिसमें आपको 155 सीसी का इंजन मिलता है। लेकिन फिर भी इन दोनों ही बाइक्स के कुछ कुछ फीचर्स मैच होते हैं, जैसे कि प्रोजेक्टर हेडलैम्प, सिंगल चैनल ABS, और दोनों ही बाइक्स के प्राइस में ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। दोस्तों, RC 125 का जो डिजाइन है वो मेरे को ज्यादा पसंद नहीं आया। वो इसलिए क्योंकि RC का जो डिजाइन है वो काफी ज्यादा आउटडेटेड हो चुका है। मतलब आप इसके बॉडी डिजाइन को काफी समय से देखते आ रहे हो, लेकिन न्यू ग्राफिक्स इस बाइक के लुक्स को पूरा ही चेंज कर देते हैं। और जैसे ही आप इस बाइक को देखोगे तो ये बाइक एक स्पोर्टी अपीयरेंस आपको शो करेगी। और जो सबसे अच्छा कलर मेरे को इस बाइक का पसंद आया है वो है ऑरेंज और ब्लैक। बाकी आप मुझे कमेंट बॉक्स पर बताइए कि आपको कौन सा कलर पसंद है। MT-15 का जो डिजाइन है वो एक नेकेड सेगमेंट में आ जाता है। काफी ज्यादा एग्रेसिव लुक्स इसको दिया गया है, और फ्रंट प्रोफाइल आपको बैटमैन टाइप डिजाइन में मिलेगा, जिसके कारण बाइक और भी ज्यादा खूबसूरत दिखती है। एरोडायनामिक इसका बॉडी डिजाइन है, शार्प एज एक्सटेंशन है, जिससे अगर आप बाइक को स्पीड में भी राइड कर रहे हो तो वाइब्रेशन जैसी कोई भी चीज इसमें आपको फील नहीं होगी। दोस्तों, दोनों ही बाइक्स के ऑन रोड प्राइस के बारे में बात किया जाए, दोस्तों ऑन रोड प्राइस इसलिए क्योंकि RC 125 का ऑन रोड प्राइस अपडेट हो चुका है। तो RC 125 का ऑन रोड प्राइस है 1,65,000 ऑन रोड दिल्ली, और यामाहा MT-15 का प्राइस है 1,59,000 ऑन रोड दिल्ली। तो RC 125 का प्राइस सीधा 6,000 रुपए ज्यादा है MT-15 के मुकाबले, जो कि मेरे हिसाब से काफी कॉस्टली है। अगर 1,40,000 ऑन रोड होता तो अच्छा होता, लेकिन 1,65,000 बहुत ज्यादा है 125 सीसी के हिसाब से। बाकी आप मुझे कमेंट बॉक्स पर बताइए कि आपको RC 125 का प्राइस सही लगा कि नहीं। दोनों ही बाइक्स के इंजन और इंजन पावर के बारे में बात किया जाए तो KTM RC 125 में आपको मिलता है 124.7 सीसी का लिक्विड कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4 वाल्व DOHC फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, जिसमें आपको मिलता है 14.5 PS एट 9250 RPM का पावर और 12 न्यूटन मीटर एट 8000 RPM का टॉर्क। और जो नंबर ऑफ गियर्स इसमें आपको मिलते हैं वो आपको 6 मिलते हैं। यही बात किया जाए यामाहा MT-15 के इंजन के बारे में तो इसमें आपको मिलता है 155 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 4 वाल्व SOHC लिक्विड कूल्ड फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, जिसमें आपको मिलता है 19.3 PS एट 10,000 RPM का पावर और 14.7 न्यूटन मीटर एट 8,500 RPM का टॉर्क। और जो नंबर ऑफ गियर्स इसमें आपको मिलते हैं वो आपको 6 मिलते हैं। दोस्तों, यहाँ MT-15 का पावर RC 125 के मुकाबले इसलिए ज्यादा है क्योंकि MT 155 सीसी की बाइक है और RC 125 सीसी की बाइक है, इसलिए MT का पावर RC के मुकाबले ज्यादा है। दोस्तों, फ्रंट और रेयर प्रोफाइल के बारे में बात किया जाए तो RC 125 में आपको फ्रंट में सेम RC 200 की तरह डुअल प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलता है, और MT-15 में आपको कॉर्नर्स पर 2 LED हेडलाइट्स मिलती है, और मिडिल में आपको सिंगल प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलता है। तो हेडलैम्प की ब्राइटनेस को लेकर नाइट में इन दोनों ही बाइक्स में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। RC 125 में आपको पीछे LED टेल लाइट मिलती है, और MT-15 में भी आपको LED टेल लाइट मिलती है। तो दोनों ही बाइक्स की LED टेल लाइट की विजिबिलिटी काफी अच्छी है। दोस्तों, ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बात किया जाए तो RC 125 में आपको सिंगल चैनल ABS मिलता है, और MT-15 में भी आपको सिंगल चैनल ABS मिलता है, लेकिन जो ABS RC 125 में लगाया गया है वो बॉश कंपनी का है। दोस्तों, बॉश ब्रांड के ABS थोड़े कॉस्टली होते हैं, लेकिन वो हमारे सेफ्टी के लिए काफी फ्रीली वर्क करते हैं, और MT-15 में आपको नॉर्मल कंपनी के ABS मिलते हैं, और RC 125 में आपको रेयर व्हील में RLP का स्पीड सेंसर मिलता है। इसका वर्क ये है कि जब भी आप बाइक को स्पीड में राइड कर रहे हो और अगर आप सडनली ब्रेक अप्लाई कर देते हो तो जो अनयूजुअल स्टॉपी क्रिएट होती है उसी को स्पीड सेंसर कैच कर लेता है, और बाइक को स्टॉपी
होने से बचा लेता है। दोनों ही बाइक्स के टायर्स के बारे में बात किया जाए तो यामाहा MT-15 में आपको फ्रंट में 110/70 का टायर साइज मिलता है विद 17 इंचेस व्हील साइज और 282 mm के इसमें आपको डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं। रियर में आपको 140/70 का टायर साइज मिलता है विद 17 इंचेस व्हील साइज और 220 mm के इसमें आपको डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं। दोस्तों जैसे कि आप यहां देख सकते हो, यहां पर आपको किसी भी तरीके का RLP का स्पीड सेंसर नहीं मिलता है। KTM RC 125 के टायर साइजेस के बारे में बात किया जाए तो इसमें आपको फ्रंट में 110/70 का टायर साइज मिलता है विद 17 इंचेस व्हील साइज और 300 mm के इसमें आपको डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं। रियर में आपको 150/60 का टायर साइज मिलता है विद 17 इंचेस व्हील साइज और 230 mm के इसमें आपको डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं। और जैसे कि आप यहां देख सकते हो, यहां पर आपको RLP का स्पीड सेंसर भी मिल रहा है। तो दोस्तों RC 125 के टायर्स MT-15 के मुकाबले थोड़े बहुत मोटे हैं जिसके कारण आपको रोड्स पर काफी अच्छी ग्रिपिंग मिल सकती है। माइलेज के बारे में बात किया जाए तो यामाहा MT-15 से आप अराउंड 35-40 तक का माइलेज गेन कर सकते हो और KTM RC 125 से आप अराउंड 45-50 तक का माइलेज गेन कर सकते हो। बाकी ये तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि आप किस तरीके से अपनी बाइक का मेंटेनेंस रख रहे हो। अब बात करते हैं कि कौन सी बाइक आपके लिए लेना सही होगा। अगर आपको एक पावरफुल बाइक चाहिए जिसका इंजन काफी फ्रीली वर्क करे, वाइब्रेशन ना हो और सिटिंग पोस्चर अच्छा हो तो यामाहा MT-15 एक अच्छा ऑप्शन है। और अगर आपको एक लुक्स रिलेटेड बाइक चाहिए जिसका डिजाइन काफी स्पोर्टी हो और उसमें आपको सेफ्टी रिलेटेड फीचर्स मिले तो KTM RC 125 एक बेस्ट ऑप्शन है। तो उम्मीद है कि आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, उसको शेयर कर दीजिए और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि मैं आप लोगों के लिए हमेशा ऐसी ही वीडियोस लाता रहता हूँ। अभी के लिए थैंक्स।